ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर है। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया आफी सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं आफत सईद को पेश कर सकते कि ये भगवान की दिता की अर्थता के लिए आपके चरणों में पेश करते हैं आफत सईद को। हाईकोर्ट ने उनको रहा किया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा किया। सर आपने केस ठीक से लड़ा ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कि उसे सीएम ने मांगा एविडेंस, हम कैसे विश्वास करें। वो आपने केस ही ठीक से नहीं लड़ा ना सर कोर्ट में, लड़ा होता तो उसको फांसी होती। वो तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मैस मर्डरर है, आपकी पनाह में है सर। देखे, फांसी देना बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर फांसी दे सकते तो कुलभूषण को दे चुके होते और आपको लाश हिंदुस्तान के झंडे में लपेट के भेजते कि आपका एक वफादार, आपका एक निमकखोर, आपका एक खैरखा, आपका एक ब्रिगेडियर हाईएस्ट रैंक का आदमी आपके हिंदू दत्त की इंतहा पसंदी और के खिलाफ भीड़ चढ़ गया और ये उसकी लाश हाजिर है हिंदुस्तान के झंडे में, तो हम आपको वही पेश कर सकते? नहीं कर सके। इतने सालों से आप अफगान हमारे बलूचिस्तान में मनी सप्लाई कर रहे हैं, अफगानिस्तान के गिर्द आपने इतनी अपनी एम्बेसीज और इतने आपने वो कमर्शियल सेंटर्स खोले हुए हैं, वहां से उनको लॉन्च करते हैं, वहां से उनको पैसे देते हैं।